अगर औलाद का ना होना इसे दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, औलाद का ना होना इसे तो मैंने अपने तारुफ के लिए रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, महबूब की विलादत भी मशहूर कराई ताकि पता चले ये किसी में से है, महबूब की औलाद भी मशहूर कराई ताकि पता चलता रहे कोई इसमें से है। अपना तारुफ कराया, लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, महबूब की वालिदैन भी मशहूर कराए, महबूब की औलाद भी मशहूर कराई ताकि पता चलता रहे मैं खालिक हूं ये मखलूक है, मैं माबूद हूं ये आबिद है, मैं मस्जूद हूं ये साजिद है। खत्मे नबुव्वत थे एक के मैं दलील देवा, कोई मुबल्लग दलील देवे, कोई खतीब दलील देवे, कोई वाइस दलील देवे, कोई मुकर्रर दलील देवे, एक एक खत्मे नबुव्वत ते रब दलील देवे। हजरत जिमें दी सुभान अल्लाह चाहिए दी, उंज दी बोलो। एक एक कौन दलील देवे? अल्लाह दा असलूब जरा देखो, अल्लाह दा अंदाज देखना, अल्लाह किस अंदाज खत्मे नबुव्वत दे दलील देंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। मैं तुहाडे कोलो इजाजत लेके तुहाडे ज़हन ते जोर पाण लगा जी, हो जावे थोड़ी जी गल, मेरा महबूब, मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह खत्मे नबुव्वत पर दलील देनी है और बात यह कि मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं, अगर औलाद का ना होना इसे दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती, अगर औलाद का ना होना दलील बनाना था। इन रात का पहर ऐसा है कि बड़ी मुश्किल है कि मैं कोई नुकता तुहाडे तक पहुंचा सका, और है भी देहात का माहौल, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचेगा, तुसी मजहबी लोग हो माशाल्लाह। अगर औलाद का ना होना इसे दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, औलाद का ना होना इसे तो मैंने अपने तारुफ के लिए रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, महबूब की विलादत भी मशहूर कराई ताकि पता चले ये किसी में से है, महबूब की औलाद भी मशहूर कराई ताकि पता चलता रहे कोई इसमें से है। अपना तारुफ कराया, लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, महबूब की वालिदैन भी मशहूर कराए, महबूब की औलाद भी मशहूर कराई ताकि पता चलता रहे मैं खालिक हूं ये मखलूक है, मैं माबूद हूं ये आबिद है, मैं मस्जूद हूं ये साजिद है। या थोड़ा जा हंस पाए तो या फिर मनु इजाजत दे थे। सुभान साउंड वाले आधे पैसे मनु देने नहीं, स्पीकर सीधा करेंगे। सुभान दोस्तों तवज्जो है, मैं थोड़े को इजाजत लैके जोर पाण लगा। नौजवानों नु शेरां ते भी मैं ही लाया सी, एक कसूर मेरा ही है। उन्होंने कहन लगा तुम जरा मेरे जुमले आले पास तवज्जो करो, तुम्हें उस तो ज्यादा लुत्फ है, थोड़ी तवज्जो रख लो। अल्लाह फरमाते नहीं, ये तारुफ तो मेरा है। अच्छा अल्लाह अगर औलाद हो गई, औलाद बेटे हुए हजरत कासिम, बेटे हुए हजरत इब्राहिम, अगर ये बेटे बड़े हो जाते, बालिग हो जाते,
आपकी तरफ से ऐलान हो जाता कि बेटे तो हैं नबी नहीं, हमने तो बात को मानना था। बोली मेरी गल समझ आ रही है? मानना था या नहीं मानना था? मानना था। यही खदशा था ना कि बेटों को लोग नबी ना कहें, क्योंकि पहले नबी ऐसे गुजरे जिनके बेटे भी नबी, हजारों नबी ऐसे गुजरे जिनके बेटे भी, हजरत आदम खुद नबी बेटे शीश नबी, हजरत इब्राहिम खुद नबी बेटे इसहाक नबी, हजरत इसहाक खुद नबी बेटे याकूब नबी, हजरत याकूब खुद नबी बेटे यूसुफ नबी, हजरत दाऊद हजरत सुलेमान बाप बेटे नबी, हजारों नबी ऐसे गुजरे जिनके बेटे भी नबी पोते भी नबी। तो ये खदशा था कि महबूब की औलाद बड़ी होती तो लोग में बड़ी हसास तबीयत है, बहुत हसास तबीयत मेरी। महबूब के बेटे बड़े हो जाते तो लोग गुमान करते कि ये भी नबी। अल्लाह बेटे बड़े होते लेकिन आपकी तरफ से ये कुरान में ऐलान हो जाता कि बेटे तो हैं लेकिन नबी नहीं, हमने तो बात माननी थी। जी मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला हर बंदा अगर तवज्जो से सुन ले इंशाल्लाह आज की रात तो मुझे दुआएं देगा, मैं उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह आज की रात तो मुझे दुआएं देगा इंशाल्लाह लाजमी, अगर वो तवज्जो से सुन ले दिल और दिमाग रखता है तो। आपकी तरफ से ऐलान हो जाता कि बेटे तो हैं लेकिन नबी। अब देखिए दो ही सूरतें थी, अगर महबूब के बेटे बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते, कोई तीसरी सूरत तो रही थी, या वो नबी होते। अच्छा इसे यूं समझिए, मजा तब है जब मैं एक बात करूं आप अगली बात पे खुद पहुंचे, फिर है लुत्फ। एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम हो, इस आलिम का बेटा तो है आलिम नहीं, फजीलत किसकी हुई? एक खतीब इधर खड़ा हो, एक खतीब इधर खड़ा हो, इसके साथ भी बेटा खड़ा हो, इसके साथ भी बेटा खड़ा हो, इसका बेटा भी खतीब हो, इसका बेटा तो है खतीब नहीं, फजीलत किसकी हुई? एक डॉक्टर इधर खड़ा है, एक डॉक्टर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, इसका बेटा भी पीर, इसका बेटा पीर नहीं, इसका बेटा भी डॉक्टर, इसका बेटा डॉक्टर नहीं, फजीलत किसकी हुई? अल्लाह फरमाते हैं अब दो ही सूरतें, बेटा बड़ा होता या नबी होता या ना होता, अगर बेटा नबी होता तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता, अगर बेटा नबी होता सिर नहीं हिलाना, अगर बेटा नबी होता तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता, और अगर बेटा नबी ना होता तो कल हशर के दिन जब नबी आते उनके बेटे होते, बेटे भी नबी होते, मेरा महबूब आता बेटा तो होता नबी ना होता तो अफजलियत पे फर्क आता, मेरे महबूब का बेटा होता नबी होता खत्म नबूवत पे हर्फ आता, नबी ना होता तो फजीलत पे हर्फ आता, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया महबूब की खत्म नबूवत पे हर्फ आए या महबूब की फजीलत पे हर्फ आए। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मद, दुआ करा लो मेरे को लो, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, थोड़ा जो जोर और पाला, वलाकिन रसूल अल्लाह लेकिन अल्लाह का रसूल है, किसी का अब्बा नहीं बालिक का, लेकिन अल्लाह का रसूल है, लेकिन यहां पे लगता ही नहीं है, अरबी ग्रामर छोड़िए उर्दू ग्रामर पे आइए तब भी लेकिन नहीं लगता। लेकिन का माना पता क्या है? लेकिन को पंजाबी में क्या कहते हैं? मगर पर, बंदा किसी नूं कहे ना भी तेरा ए काम नहीं हो सकता पर तू परेशान नहीं होना, इत्थे पर ते समझ आंदा है वे कोई होर हल है, इदा माना है लेकिन। अल्लाह फरमांदे तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं लेकिन पर रसूल है,
اے پر کی ہے، اے لیکن کی ہے، ولاکر رسول اللہ، اے ولاکر رسول اللہ کی ہے۔ تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں، سن رہے ہو؟ لیکن تو یہاں پر لگتا ہی نہیں، لیکن اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اب سنیے، میں اس لیکن کا معنی کرنے لگا ہوں۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی، اس کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں بنے، جو ماں بنے۔ کسی اولاد والی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، اور کوئی ایسی عورت جس کی اولاد نہ ہو، اس کو کہے چھٹ پرے رہن دے، وہ کہندی ہے تنوں کی پتا، تنوں کی پتا، تیری اولاد سے نہیں، تیری اولاد ہوندی تو تنوں پتا ہوندا۔ ماں کی ممتا مشہور ہے، مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو باپ بنے، اس کے سینے میں جو باپ بنے، اس کے اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے۔ اولاد نابالغ ہے، شفقت کا معیار اور ہے، لیکن جب اولاد بالغ ہو جائے تب شفقت نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے، اس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب، تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں پھر شفقت ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، ولا کہ رسول اللہ، ولا کہ رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول کے سینے میں اپنے امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے نہیں آ رہی ہو جا کے ہن ویلے نال جا کے منجی تے سو جاؤ، آرام کرو۔ ولا کر رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ او بولو یار، گل سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ سمجھاوے تو بندہ سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا کر رسول اللہ، وہ جو شفقتیں اتنی لے کر آیا کہ بھیجنے والے کو کہنا پڑا، یاد رکھنا، باپ تو نہیں کسی بالغ مرد کا، لیکن ولا کر رسول اللہ، شفقتیں ساری اکٹھی کر لو، اس کی شفقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آمد پر کیوں نہ کہوں، یاد رکھنا امتیو، لاوارث نہیں ہو، وہ شفقتوں کا مرکز تمہارا وارث بن کر آیا، وہ وارث بن کر آیا جس کے سامنے ساری کائنات کی شفقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ساری کائنات کی شفقتیں محبتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ وہ آمنہ کلال ربیع الاول میں ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اور